नमस्कार दोस्तों दोस्तों जय आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। दोस्तों ये क्वेश्चन किसी न किसी कला से संबंधित एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, होशंगाबाद किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी बिहार। इसका जो राइट आंसर है वो है ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सिंघारिया, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी अवध, ऑप्शन नंबर डी मिर्जापुर। इसका जो राइट आंसर है वो है डी मिर्जापुर। क्वेश्चन नंबर 56, भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 57, जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद। इसका जो राइट आंसर है वो है ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58, प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए जॉन कार्लाइल, ऑप्शन नंबर बी आर्चिबाल्ड कार्लाइल, ऑप्शन नंबर सी जेम्स फर्ग्यूसन, ऑप्शन नंबर डी सी डब्ल्यू एंडरसन। इसका जो राइट आंसर है वो है बी आर्चिबाल्ड कार्लाइल। क्वेश्चन नंबर 59, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं? ऑप्शन नंबर ए हाथी, जंगली सांड और बाघ की, ऑप्शन नंबर बी भाले के साथ शिकार करते मानव, ऑप्शन नंबर सी मेढक और सांप, ऑप्शन नंबर डी जेब्रा और बकरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ए हाथी, जंगली सांड और बाघ की। क्वेश्चन नंबर 60, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ में। इसका जो राइट आंसर है वो है डी छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 61, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा की पहाड़ियों पर, ऑप्शन नंबर बी विंध्याचल की पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर सी गंधमर्धन की पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर पठार में। इसका जो राइट आंसर है वो है बी विंध्याचल की पहाड़ियों। क्वेश्चन नंबर 62, उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। दोस्तों लास्ट में याद दिया है नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उदयगिरी, ऑप्शन नंबर बी अमर गुफा, ऑप्शन नंबर सी बसानाझार, ऑप्शन नंबर डी बोटालडा। इसका जो राइट आंसर है वो है ए उदयगिरी। क्वेश्चन नंबर 63, जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मानव आकृति, ऑप्शन नंबर बी मछली, ऑप्शन नंबर सी हाथी, ऑप्शन नंबर डी नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। इसका जो राइट आंसर है वो है डी नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य जोगीमारा गुफा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। इसका जो राइट आंसर है वो है सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 65, जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है बी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 66, मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए घोड़े और हाथी, ऑप्शन नंबर बी बुद्धा, ऑप्शन नंबर सी हिरण और जेब्रा, ऑप्शन नंबर डी मुर्गी और कौवे। इसका जो राइट आंसर है वो है ए घोड़े और हाथी। क्वेश्चन नंबर 67, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध जातक कहानियां, ऑप्शन नंबर बी भगवान शिव, ऑप्शन नंबर सी सांप्रदायिक सभा, ऑप्शन नंबर डी झरनों का चित्र। इसका जो राइट आंसर है वो है सी सांप्रदायिक सभा।
क्वेश्चन नंबर 68, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है ऑप्शन नंबर ए अजंता गुफाओं से पहले की, ऑप्शन नंबर बी बाघ गुफाओं के बाद की, ऑप्शन नंबर सी अजंता गुफाओं के बाद की, ऑप्शन नंबर डी बुद्ध के बाद की। इसका जो राइट आंसर है वो है ए अजंता गुफाओं से पहले की। क्वेश्चन नंबर 69, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका पेट्रोग्लिफ, ऑप्शन नंबर बी बादामी गुफाएं, ऑप्शन नंबर सी अजंता गुफाएं, ऑप्शन नंबर डी एडकल गुफाएं। इसका जो राइट आंसर है वो है डी एडकल गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 70, अभिकथन ए प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन है, कारण आर क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए गलत है आर सही है, ऑप्शन नंबर बी ए गलत है आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी ए सही है आर सही है, ऑप्शन नंबर डी ए सही है आर गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी ए सही है आर सही है, इसमें दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 71, आदिकाल से लेकर आधुनिक समय तक की निम्नलिखित संप्रेषण विधियों को सम्मिलित कीजिए। यहां पे ऑप्शन नंबर ए दिया है श्रव्य, श्रव्य जो है 1920 के दशक के आरंभ में, ये चौथा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है मुद्रण, मुद्रण जो है वो है गुटेनबर्ग से संबंधित, जॉन गुटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर जो सी है श्रव्य दृश्य जो है वो आधुनिक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी अमौखिक जो है वो आदिकालीन से संबंधित है। तो यहां पे देखिए फर्स्ट का 4, सेकंड का गुटेनबर्ग, श्रव्य का आधुनिक से और मौखिक का आदिकाल से। क्वेश्चन नंबर 72, अभिकथन ए प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है, कारण आर क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। ऑप्शन नंबर ए दिया है ए गलत है आर सही है, ऑप्शन नंबर बी ए तथा आर दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी ए सही है आर गलत है, ऑप्शन नंबर डी ए तथा आर दोनों गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ए तथा आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का पूर्व ऐतिहासिक रॉक शेल्टर चित्रों का स्थान कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए लास्काक्स, ऑप्शन नंबर बी अल्तमीरा, ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका, ऑप्शन नंबर डी तुम वानम। इसका जो राइट आंसर है वो है सी भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 74, स्थलों का सही कालानुक्रमिक क्रम बताइए। इसका जो यहां पे राइट आंसर होगा बी, सबसे पहले भीमबेटका की गुफाएं आएंगी, उसके बाद बराबर हिल की गुफाएं, भाजा गुफाएं, अजंता की गुफाएं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहां पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए। तो जो सबसे पहले वो आएगा, सबसे पहले भीमबेटका, सिंधु घाटी की नर्तकी, उसके बाद सांची स्तूप, उसके बाद खजुराहो का मंदिर। तो यहां पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम चयन करें। इसका जो राइट आंसर होगा बी, सबसे पहले मारतंड मंदिर आएगा, उसके बाद संघोल मारतंड आएगा, उसके बाद संघोल भीमबेटका जग्यापेट। तो यहां पे राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, सही क्रम चुनिए। तो यहां पे सबसे पहले
बी ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। सबसे पहले पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 78, प्रागैतिहासिक चित्र। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 79, सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए। तो यहां पे जो ऑप्शन हमारा राइट होगा वो है डी, सबसे पहले भीमबेटका, फिर नर्तकी, फिर नंदगिरिखम, फिर सांची के स्तूप। यहां पे राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 80, इनको मिलाइए। तो सबसे पहले ए भीमबेटका, भीमबेटका जो है आदिकालीन चित्र से संबंधित है, भीमबेटका आदिकालीन चित्र। उसके बाद बी है जयपुर, जयपुर का लघु चित्रों का ये केंद्र है। उसके बाद है सी नंबर खजुराहो, खजुराहो जो है वो काम विषयक शिल्प के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है कोणार्क, कोणार्क जो है वो सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, अभिकथन ए प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की कला में चित्रात्मक प्रथाएं भूगोल परक सांस्कृतिक क्षेत्रों के अनुसार एकीकृत होती थी। कारण आर, शैलीगत प्रथाओं में एकीकरण व्यक्तिगत पसंद से था, शिल्प संघ के कारण नहीं। इसका जो राइट आंसर है ए, ए तथा आर दोनों ही सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 82, अभिकथन ए पिक्टोग्राफी एक विशिष्ट शब्द की बजाय एक विचार अथवा संकल्पना को व्यक्त करती है। तर्क आर, क्योंकि यह सटीक क्रिया को संप्रेषित नहीं करती है। यहां पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों ही सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 83, भित्ति चित्र कहां मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए खजुराहो, ऑप्शन नंबर बी देवगढ़, ऑप्शन नंबर सी होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। इसका जो राइट आंसर है वो है सी होशंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 84, स्पेन की अल्तमीरा के समकक्ष कहां के शिलाचित्र हैं। ऑप्शन नंबर ए पंचमढ़ी के, ऑप्शन नंबर बी लखनिया के, ऑप्शन नंबर सी बेलारी के, ऑप्शन नंबर डी कालीखो के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पंचमढ़ी। क्वेश्चन नंबर 85, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था। ऑप्शन नंबर ए आखेट, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी व्यापार, ऑप्शन नंबर डी मछली पालन। इसका जो राइट आंसर है वो है बी कृषि का। क्वेश्चन नंबर 86, तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहां प्रयोग किए गए। ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी ताम्रपाषाण काल। इसका जो राइट आंसर है वो है सी नवपाषाण काल। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित, कला से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं आप लोग के लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।